दोस्तों आज के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी पूरी दुनिया में वो हो चुकी है ओपन एआई। देखो ओपन एआई एक ऐसी कंपनी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया जिसे हम आज भी देख रहे हैं और आने वाले 10-15 साल या फिर जब तक हम जिंदा है ना तब तक इस चीज को देखने वाले, क्योंकि एआई के आने के बाद जो चीजें रहती हमारी लाइफ में वो पूरी तरीके से बदल गई। चाहे हमारा इंटरेक्शन करना हो, चाहे हमारा यूज केस कुछ भी हो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो हम एआई को यूज कर ही रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि एआई का यूज अब इतना ज्यादा आगे और भी बढ़ता चले जाएगा कि हमारी जो रिलायंस ओपन एआई जैसी कंपनी पर है वो यहाँ पे और ज्यादा चलती चली जाएगी। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा कि ओपन एआई को शुरू क्यों किया गया था और इसका एग्जैक्टली मेन नेम यहाँ पर क्या है? वेल, ओपन एआई यहाँ पे शुरू की गई थी 2015 में। और हाँ, इस कंपनी के देखा तो चार मेन पार्टनर थे। पहले इसके सीईओ सैम ऑल्टमैन, सेकंड इसके को फाउंडर और प्रेसिडेंट ग्रैग ब्रॉकमैन, थर्ड थे इलियास और फोर्थ थे इसके इलॉन मस्क। यस, इलॉन मस्क भी इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे और वो सिर्फ इसलिए एसोसिएटेड थे क्योंकि इस कंपनी का विजन उन्हें काफी पसंद आया था, यानी कि इसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रखना था कि ये कोई पैसा नहीं बनाएगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेवलप करेगी कॉमन लोगों के लिए बनाएगी। और इसका मेन एम था AGI, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, यानी कि एक ऐसी इंटेलिजेंस, एक ऐसी AI सिस्टम को क्रिएट करना जो एक इंसान जैसे सोच सकता है, उस तरीके से काम करे, उस तरीके से डिसीजन ले सके, लेकिन सही डायरेक्शन मिले। और हाँ, एक इंसान जैसे सोचते अगर उस तरीके से मशीन सोचने लगी और उसकी कैपेसिटी को 100 गुना 1000 गुना बढ़ा दिया गया और बिना थके बिना रुके काम कर रही है, तो हम कई सारी जो प्रॉब्लम जो समाज में चल रही थी, दुनिया में चल रही है, सबको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे किसी बीमारी का इलाज खोजना हो, कोई रिसर्च करनी हो, कोई भी नई चीज करनी हो, वो चीज यहाँ पे करेगी। और यही इस फंडामेंटल चीज पे करी गई थी। लेकिन 2018 और 19 के टाइम में इनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ, एलन मस्क इस कंपनी से डिसोसिएट हो गए। फिर 2019 में ये हुआ कि इस कंपनी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप करी और जहां ये नॉन प्रॉफिट हुआ करती थी ना, अभी थोड़ी सी प्रॉफिट ड्रिवन हो गई। लेकिन फिर भी इस कंपनी के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता था ज्यादातर समय, बस ओपन एआई के बारे में पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना रही है। और उस जमाने में हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी बहुत ही बात करता था और जिस कंपनी को पायनियर समझा जाता था वो थी गूगल की डीप माइंड। यस, गूगल की डीप माइंड को पावर इतनी समझा जाता था कि वो अल्फा गो जैसे गेम को क्रैक कर पा रही है, वो सोच पा रही है, आपको असिस्टेंट दे पा रही है, और उसे हम पीक समझते थे। लेकिन जब 2022 में जब GPT 3.5 इंट्रोड्यूस करते हैं और अपना चैट GPT को इंट्रोड्यूस करते, यानी कि ऐसा टेक्स्ट मॉडल जिसके साथ आप बात कर सकते हो, जो आपकी बातों को समझ सकता है, आपको रिप्लाई कर सकता है, ये एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी चीज थी जिसके बाद इस कंपनी का डायरेक्शन ही टोटली बदल गया। Yes, और ओपन एआई के लिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पे साबित हुई। और उसके बाद GPT को तो ये बेटर करते गए और अपने अलग अलग प्रोडक्ट निकाले, जैसे कि डाली जिसमें इमेज जनरेशन की जा सकती है, या फिर सोरा के बारे में बात करें जिसमें वीडियो जनरेशन पॉसिबल है। आज के समय में सोरा के अंदर वीडियो जनरेशन, यहाँ तक कि वो ऑडियो भी जनरेट कर सकता है। और कहा जा रहा है कि ओपन एआई फ्यूचर में ऑडियो जनरेशन के अलग अलग टूल्स, म्यूजिक जनरेशन, ये सब लाने वाली है, सारी चीजें नेक्स्ट लेवल होंगी। इवन सोरा की तो रिसेंटली उन्होंने एक ऐप भी बना दी जो कि एक इंस्टाग्राम रील जैसे काम करती है, जिसके अंदर लोग एआई स्लॉप कहते हैं ना, वो वीडियोस को यहाँ पे एंजॉय करते हैं। लेकिन बात की जाए तो AI के अंदर ओपन AI का इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि हर एक कंपनी को ना अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरीके से चेंज करनी पड़ी और कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे इसका इंपैक्ट जो लेवल पे जो क्रिएट हुआ है वो नेक्स्ट है। सबसे पहले बात करूंगा गूगल की। गूगल ने पूरा जेमिनी क्रिएट किया, डीप माइंड की पूरी रिसर्च लैब को रीइनोवेट किया गया। यहाँ पे जो सर्गेई ब्रिन थे, जो गूगल के को फाउंडर थे, अब वो गूगल के अंदर वापस काम कर रहे हैं गूगल डीप माइंड के साथ, ताकि नेक्स्ट लेवल की AI क्रिएट की जा सके। और हाँ, गूगल डीप माइंड और ओपन AI दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन लगाओ कि सबसे पहले AGI कौन अचीव करता है। और दोनों कंपनीज ने प्रेडिक्शन दे रखा है कि आने वाले 5 साल तक ये लोग AGI को अचीव कर लेंगे। दोनों कंपनीज बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चल रही है। जो गूगल क्वांटम कंप्यूटर अपने TPU वगैरह पे बना रहा है, वहीं OpenAI खुद हार्डवेयर ना रखते हुए अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है और हार्डवेयर के लिए रिलाय कर रही है Nvidia पे। और Nvidia से जब रिलाय कर रही है तो वहां से वो GPU को सोर्स कर रहे ताकि अपने सर्वर्स को और ज्यादा बेटर और फास्ट कर सके। और Nvidia भी OpenAI में सब इसलिए इन्वेस्ट करे ताकि Nvidia की सेल्स यहाँ पे GPUs की वहां होती रहे, क्योंकि Nvidia की GPUs की खास बात है कि मल्टी प्रोसेसिंग साथ में करते हैं, जिसकी वजह से AI वाले जो टास्क होते हैं इनके GPUs पे बेटर रन कर सके। और हाँ, GPUs की इतनी ज्यादा सेल कर करके ही Nvidia आज के समय दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे बन के बैठे हुए, इवन एप्पल से बड़ी कितने कुछ समय में यहाँ पे हो गए। OpenAI यहाँ पे रुकी नहीं, OpenAI ने यहाँ पे ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट जो उसमें इन्वेस्टर है उसमें भी पार्टिसिपेट किया। आज के समय विंडोज का जो को पायलट रहता है ना, इसकी पूरी जो बैकबोन रहती है ना, वो ChatGPT है। एप्पल को एप्पल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस क्रिएट करनी थी वो भी कहीं ना कहीं ओपन एआई के पास ही गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स यहाँ पे क्रिएट किए जा सके। और ओपन एआई को पता है कि आने वाले समय में उसको अपनी एम भी निकालनी पड़ेगी तो वो निकाल रहे हैं, उन्हें पता है कि आने वाले समय में उसको अपना हार्डवेयर निकालना पड़ेगा तो वो भी वो निकाल रहे हैं, उसको पता है कि आने वाले समय में उसे ज्यादा से ज्यादा यंग क्राउड चाहिए और सबसे ज्यादा यंग क्राउड कहाँ पर है, इंडिया में। इंडिया में ओपन एआई ने अपना ऑफिस ओपन किया, प्लस ओपन एआई का जो चैट जीपीटी गो का सब्सक्रिप्शन उसे एक साल के लिए फ्री कर दिया इंडियंस के लिए। उसे पता है कि यहां से हम ज्यादा से ज्यादा यूजर बेस जनरेट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ओपन एआई आज के समय में जो मोस्टली जो पैसा बनाती है ना वो एपीआई सेल करके बनाती है। बेसिकली बात ये कि ओपन एआई का जो जीपीटी है वो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग एप्स, अलग अलग सर्विसेज में यूज किया जाता है, जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो रहती है वो जीपीटी सॉल्व करता है। यानी कि मार्केट में 90% जो एआई पावर्ड एप्लीकेशंस हम देख रहे हैं ना वो बैक एंड में जो जीपीटी जो ओपन एआई ने बनाया ना उसी पर ही डिपेंडेंट है और उसी का ही यहाँ पे यूज किया जा रहा है बार बार। कोई अलग से इन्होंने अपना मॉडल यहाँ पे क्रिएट नहीं कर दिया और ओपन एआई इसी मॉडल को देख के ट्रेन करके अपने डेटा को स्ट्रॉन्ग करके नेक्स्ट लेवल की चीजें यहाँ पे अचीव कर रही है। लेकिन क्या ये कंपनी का जो इम्पैक्ट रहता है क्या आने वाले समय में कम होगा या बढ़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो ओपन एआई का जो इम्पैक्ट है वो इतना बड़ा है कि हर जगह से इसकी इंस्पिरेशन ली गई। जैसे कि चाइना ने अपना डीपसीक मॉडल जनरेट किया जो कि कम पैसे में बनाया गया था लेकिन ओपन एआई के साथ कम्पीट करे, लेकिन फिर ओपन एआई वालों ने अपना GPT-5 निकाल दिया जिसके अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड जनरेशन किया जा सकता है, जो लोग कोडिंग या प्रोग्रामिंग करते हैं वो कर सकता है। यहाँ तक कि GPT-5 के यूज करके लोग अपने AI एजेंट्स बना रहे हैं, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इंस्ट्रक्शन देने, ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे जाके क्लिक करना, फॉर्म फिल करना, ये सारे काम आपके बिहाफ पे वो खुद कर देगा, बिल्कुल एक्यूरेट करेगा। इस डायरेक्शन में काम हो रहा है और आने वाले समय में धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अगर बढ़ती रहेगी तो जहाँ पे जितने भी मैनुअल वाले टास्क होते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे करना शुरू कर देगा। और हाँ, हर साल ये लोग इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं और हर साल नए प्रोडक्ट और नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस वजह से कोई भी कॉन्टेंट पीस या कोई भी चीज आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो AI जनरेटेड है या फिर उसे ह्यूमन ने बनाई, ये बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और हाँ, ये लोग काम इधर ही कर रहे हैं। और हाँ, आयो जैसी कंपनी भी इन्होंने एस्टेब्लिश कर दी जहाँ पे लोग अपने AI पावर्ड हार्डवेयर बना रहे हैं, वो क्या होगा कैसे काम करेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इस तरीके की डिवाइसेस पे वो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि हार्डवेयर में घुस रहे हैं, सॉफ्टवेयर में घुस रहे हैं, इंडिया में भी ऑफिस ओपन कर रहे हैं। इवन बात करें तो रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि इंडिया के अंदर ये लोग अपना डेटा सेंटर भी ओपन करेंगे जिस कारण से जो डेटा प्रोसेसिंग हो सके इंडियंस की वो शायद इंडिया में ही प्रोसेस कर सके। देखते वो चीजें कब होती है। लेकिन आने वाला जो जमाना रहेगा ना ओपन एआई का वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि फ्यूचर ओपन एआई के साथ और भी जो कंपनीज है जैसे कि इलॉन मस्क की XAI जिससे एक और AI कंपनी बनाया जा रहा है जिसका ग्रॉक होता है वो किस तरीके से कंपीट करता है, क्योंकि जो ग्रॉक है यहां से उन्होंने विकिपीडिया का कंपेटिटर ग्रॉकीपीडिया बना दिया है, वो भी AI पावर्ड है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जो ओपन AI है ना वो अभी तो सर मेरे हिसाब से बिल्कुल बहुत ही छोटी सी चीज है। इसका जो बड़ा इफेक्ट होगा ना आने वाले 4 से 5 साल में हम देखेंगे कि जिस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे थे वो तरीके लोगों के किस तरीके से बदले और यहाँ पे हम और अच्छा प्रोडक्टिव और अच्छा आउटपुट यहाँ पे कैसे ले पाए। लेकिन ओपन एआई के साथ कुछ नेगेटिव बातें भी जुड़ी कि लोगों का डेटा बहुत ज्यादा ट्रैक करते हैं, इस पे आरोप लगते हैं कि लोगों के डेटा को कैसे यूज किया जा रहा है। इवन ये आरोप भी इस पे लगा था कि कई सारे कॉपीराइटेड मटेरियल, बुक्स हो गई, मैगजीन हो गई, वेबसाइट हो गई, वीडियोस हो गए, उसको अनइंटेंशनली एक्सेस करके अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो और बेटर बन सके, तो इस तरीके के आरोप लगे। और कई सारी चीजें ऐसी लगी कि ओपन एआई जो आउटपुट दे रहा है वो कई बार बायस्ड हो सकता है और जब आगे चल के लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए AI पे तो लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये जैसे कि अपना ब्राउजर निकाल रहे हो, ब्राउजर में भी अपनी AI को ज्यादा प्रायोरिटी रखी है, OpenAI सर्च के अंदर कूद रहा है, ये सारी चीजें कर रही है। और देखा जाए तो OpenAI उस लेवल पे बढ़ रही है कि जिसमें वो दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी भी बन सकता है जो सब कुछ कंट्रोल करेगी, या फिर इसको बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन क्लोजली बात करें तो गूगल की तरफ से मिल सकता है, तो ये एक चीज रही है। इसके साथ ही बात करें तो हम मार्केट में बहुत सारी AI कंपनीज और भी ज्यादा आई है लेकिन इन दोनों के लेवल पे भी कोई भी कंपनी इतना बड़ा मैच नहीं कर पा रही, चाहे एंथ्रोपी की बात करें, क्लाउड की बात करें, परप्लेक्सिटी की बात करें। इवन जैनसन हुआंग जो एनवीडिया के सीईओ, उनका तो ये कहना है कि आज के समय में चाइना बहुत तेजी से AI पे काम कर रहा है, चाइना सिर्फ नैनो सेकंड पीछे है आपके US की OpenAI और बाकी कंपनी से, और चाइना भी यहाँ पे बहुत तेज से आगे निकल सकता है क्योंकि चाइना के अंदर बहुत ही कम समय में बहुत ही चीज से डेवलपमेंट होता है। देखते हैं वहाँ पे चीजें किस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन जो रेस आज के समय में हम देख रहे हैं ना वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कितना भी नेगलेक्ट कर ले वो आज के समय में और ज्यादा बढ़ा रहने वाला है, और जिस
AI बबल की बात कर रहे हैं, चलो वो चीजें तो बस्ट होंगी, लेकिन जो कोर कंपनीज है ये आगे चल के बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर सकती है और एक रिवोल्यूशनाइज चीज क्रिएट कर सकती है। यानी कि जैसा कुछ इंटरनेट के बाद क्रिएट हुआ था ना, ये कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही है। तो हाँ, देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ भी काम करे कैसे भी काम करे चीजों के अंदर बदलाव तो यहाँ पे आते ही रहता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है, ओपन AI या फिर चैट GPT या फिर AI की दुनिया में अगर कुछ भी बात होगी तो आने वाले समय में उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू बने रहने के लिए यहाँ पे वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए या कुछ भी इसमें नया सीखा होगा आपने ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को यहाँ पे बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।